हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस में कौन बनेगा मुख्यमंत्री एपिसोड को समाप्त करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसी भी नेता को अति उत्साह में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। गहलोत ने दावा किया कि सीएम फेस को विवाद देने के पीछे भाजपा की चाल है। गहलोत ने कहा कि सीएम कौन बनेगा इसका फैसला जनता, कार्यकर्ता और विधायकों से चर्चा करने के बाद हाईकमान तय करेगी। चुनाव से चंद महीने पहले लालचंद कटारिया के अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव कराने वाले बयान से मचे बवाल पर ब्रेक लगाने के लिए अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। गहलोत ने दावा किया कि पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं और उनमें से किसी भी तरह के कोई विवाद नहीं है। गहलोत ने कहा कि हमारे नेता बोलते कुछ और हैं और मीडिया में चलता कुछ और है। गहलोत ने बताया कि टिकट मांगने का हक सबको है, सब मांगे लेकिन शालीनता में रहकर। गहलोत ने कहा कि राजस्थान चुनाव में उनकी भूमिका एक कार्यकर्ता के तौर पर होगी और जो भी आदेश हाईकमान देगा उसका वो पालन करेंगे। गहलोत ने कहा कि मेरी चाहत है कि हर सूरत में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। इस मौके पर गहलोत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार 4 साल में हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। अब सीएम और पीएम कितना भी जोर लगा लें, गहलोत ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा यात्रा का नाम बदलकर गौरव यात्रा इसलिए किया कि जनता इसे कुराज यात्रा कहती। विवाद चल रहा है, किन किन? कोई विवाद नहीं चल रहा है। मीडिया का एक सेक्शन जो है वो जानबूझकर के बीजेपी के इशारों पर ये अभियान चला रहा है। हमारे कोई नेता बोलते कुछ हैं और छपता कुछ है। ये अभियान बीजेपी का अभियान है, ये हमारी सभी जानकारी में है, हमें एहसास है। यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है। जो कांग्रेस की परंपरा में हाईकमान को चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में तो पहले घोषित करता चेहरा, वरना हमारी परंपरा रही है कि चुनाव के बाद में ही जनता का क्या मानस है, विधायक लोग क्या सोचते हैं, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, उसके आधार पर हाईकमांड फैसला करता है। हमारे यहाँ तो ना कोई विवाद है, ना कभी विवाद रहा है। मैं खुद AICC के अंदर महामंत्री संगठन हूँ। मैं खुद कहता हूँ पूरे देश के सब राज्यों में कि किसी को अधिकार नहीं कि वो खुद ही अपना चेहरा प्रस्तुत करे मुख्यमंत्री के रूप में। ये कांग्रेस की परंपरा के खिलाफ होगा। और जो खुद चेहरा अपना आप कोई प्रस्तुत कर देगा, अपना प्रोजेक्शन करेगा, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। मैं ये बात सब जगह कहता हूँ। फिर भी कुछ लोग क्या है ऐसा माहौल बनाएंगे कि मीडिया में गलत मैसेज जाएगा पब्लिक के अंदर, और ये बीजेपी की चाल है, ये मैं कह सकता हूँ। आप जयपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।